सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि रेवाड़ी से रेवाड़ी मामले में अब इनाम की घोषणा की गई है। गैंगरेप केस में ये इनाम की घोषणा की गई है। आरोपियों का सुराग देने वाले को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, ये पुलिस ने कहा है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज करने के लिए 1 लाख के इनाम की यहाँ पर घोषणा की है। जिस तरीके से रेवाड़ी गैंगरेप मामले में लगातार पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जो आरोपी हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, इसके चलते अब रेवाड़ी पुलिस ने गैंगरेप केस में इनाम की घोषणा की है। 1 लाख का इनाम रखा है। आरोपियों का सुराग देने वाले को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, जिससे जो आरोपी हैं इनकी धरपकड़ हो सके, इसके लिए यहाँ पर 1 लाख इनाम की घोषणा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्याम भाटला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, जिस तरीके से मामला गर्माता जा रहा था, पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने यह घोषणा की है कि अगर जो कोई आरोपियों का सुराग बताएगा उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। जी प्रीति, देखिए ये बड़े पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बन चुका है और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से रूबरू हुई नाजनीन बसीन एसपी ये मेवात के हैं, जो एसआईटी टीम की इंचार्ज जिन्हें बनाया गया है, उन्होंने घोषणा की है कि इनका पता देने वाले को 1 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा पुलिस की ओर से। तो वहीं दूसरी ओर जल्द ही जो 3 आरोपी मुख्य आरोपी थे जिन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर लिफ्ट दी थी पीड़िता को और वो कहीं लेकर गए थे, उन तीनों की फोटोग्राफ्स भी जल्द ही आज शाम तक उनके जारी कर दिए जाएंगे ताकि लोगों तक उनकी फोटो जा सके, लोगों को उनकी पहचान हो सके और वो जल्द पुलिस गिरफ्त में आ सके। और ये दावा भी कर रहे हैं कि फोटो जारी होने के बाद और इनाम की घोषणा करने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे। जी जी दीदी। श्याम, जब पुलिस ने घोषणा की है तो उसके बाद अब पीड़ित के परिजन क्या कह रहे हैं, किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है उनके सामने? अभी यहाँ पर पीड़ित के परिजन यहाँ पर नहीं है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एडीजीपी कार्यालय के अंदर रखी गई है। अब इसके बाद जब मीडिया बात करेगा परिजनों से तो भी उनका रुख पता चल पाएगा, उनके विचारों को जाना जा सकेगा। जी जी श्याम, बिल्कुल तमाम जानकारी।